दिन दहाड़े व्यापारी से लूट, आंख में मिर्च डालकर हथियार के बल पर दिया वारदात को अंजाम। स्कूटी पर सवार होकर बैंक में 3 लाख रुपए जमा कराने जा रहा था व्यापारी सौरभ। स्कूटी में रखे 3 लाख रुपए स्कूटी छीनकर ही भागे बदमाश। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। व्यापारी की शहर के गंज बाजार में है खल बिनोले की दुकान। पुलिस मौके पर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। के गोलचक्कर इलाके की घटना। घर मतलब घर से आई थी, अपने काम जा रही थी मैं, तो वो एक स्कूटी वाला 2 बाइक वाले ही आए। पहले पहले स्कूटी पर टक्कर मारी, उन्हें लाल बीच जिसके भाई के पास कैश था, उन्हें जानबूझ के टक्कर मारी। उस भाई से मैंने पूछा, भाई क्या दुश्मनी थी आपकी? ने बोला नहीं, मेरा इसमें कैश था। ये उसने फिर मेरी तरफ गन दिखाई, मैंने स्कूटी छोड़ दी अपनी और मैं अपने बेटे को लेकर साइड में हो गई। इतने वो चले गए, एक सीधा गया एक यूं गली में बांध। क्या बोला आपको? गन दिखा गन ही बोला, आप साइड में हो जाओ, बस इतना बोला मेरे को। फिर मैं अपनी स्कूटी छोड़ दी। पड़ोसी पड़ोसी नजर नहीं आया सरदार का ना, बोला था, कोई और थे? कोई नहीं था, एक जूस वाला भाई था, एक जूस वाला भाई था, वो भी देख के भाग गया था। जूस वाला भाई जो यहाँ पे रेडी लगा था ना, वो देख के भाग गया था। बाइक पे सवार थे दो थे वो। कुमार गुप्ता, मैं होलसेल का बिजनेस करता हूँ और रोज जो है बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जाते हैं। और आज भी भतीजा जो है बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जा रहा था, तो रास्ते के अंदर कुछ बदमाशों ने मिर्च डाल के और उसका जो है स्कूटी समेत ही उसकी बाइक ले स्कूटी ले गए, जिसके अंदर ही पैसे थे। कितना पैसा था? 3 लाख रुपए। मिर्च डाल दी, मिर्च आँखों में मिर्च। इसके अलावा हाथापाई की हुई? हाँ, हाथा गुद्दी पकड़ी उसकी, जैसे उसने थोड़ा सा रिजेंट रिस्क किया। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने फायर भी किया है। हाँ, एक लेडीज भी आई बीच के अंदर, उसको भी फायर दिखाया है। हाँ, और स्कूटी समेत लेके भागे। अभी क्या कार्रवाई की जा रही पुलिस की तरफ से? पुलिस को तो बुलाया है, तो 100 नंबर पे हाथ के हाथ पुलिस आ गई है और अभी तो जो है वो चेक कर रही है, फुटेज वगैरह सारी चेक की है।